नो गुस्सा और ना ही चाहिए यार खुश रहती है मुझे अच्छा लगता है ना। काम में जो आप जीना कोई एक, दिन, कोई एक दिन जो आपने जिया है वापिस जीना चाहोगे नहीं मैं अपने क्यों मैं उधर जाऊंगा उससे भी और कुछ अच्छा करूँगी आगे तो आगे आगे बढ़ते रहना पीछे मुझे नहीं जाना भी मैं तो सच बताऊं मैं ये प्रोसेस भी पूरा एंजॉय कर रहा हूं मेरे को बड़े मजे आ रहे हैं यहां पे भी मुझे लिटरली तो कोई ऐसे को बीते हुए टाइम में कुछ ऐसा मैंने संभाला हुआ रखा ही नहीं तो जो भी चल रहा होता है मेरा वो बेस्ट ही चल रहा होता है पर ये मुझे ना सच्ची में बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार पीछे का मैं मैं हमेशा पीछे मुड़ के क्यों देखना है जब हमने आगे आगे जाना है करके तो आई ऑलवेज बिलीव कि हां आगे बढ़ते जाओ आगे पीछे क्यों मुड़ के देखना अभी उम्र भी तो आपकी धीरे 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 ढलते धीर जाओगे जाएगी आप चाहोगे कि यार मैं 25 के हो जाऊं फिर से नहीं है ना तो क्यों पीछे मुड़ के देखना अपने चलते जाओ मस्त मौला हो गया yeah. पर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अभी इम्प्रूव करनी एज अ पर्सन पर्सनली प्रोफेशनली दोनों वो तो भाजी रोज कुछ ना कुछ मिल जाता है आज का क्या <laughs> <laughs> आज का आज का टाइम से सोकर अगले दिन इंटरव्यू पे आऊंगा बोल दो हाँ, थोड़ा सा <laughs> हाँ? सुबह पाँच बजे सोया गया था मैं हाँ। ले, लेट नहीं हुआ बिल्कुल भी लेट से, लेट हुआ। के तो पक्के टाइम का मैं पक्का हूँ बट मैं सोचता हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए हो हाँ? तो नहीं पा रहा अभी मुझसे बट मैं कर लूंगा ये इम्प्रूव करना मुझे फिलहाल तो जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए मेरे लिए अगर मुझे कुछ चीज सुधारने को बोल रहे हो आप तो वही चीज है कि यार गौरव अभी आने वाले साल में शायद मैं और ऐसे ऐसे लोगों से मिलू जिनसे मुझे कुछ भी चीज सीखने को मिलेगी और मुझे ना अच्छी चीजें सीखना बहुत पसंद है और वो ऑटोमेटिकली आता है इसलिए नहीं कि मैं मिलती इसलिए की नहीं इसमें क्या अच्छी चीजें आपसे एक चीज सीखी है ना तुरंत अपने नोट्स बना लो जो आपके दिमाग में है ताकि आप भूलो नहीं तो मैंने बोली भी थी बात आपको तो मैं हमेशा पता नहीं जब भी आप किसी से मिलते हो ना उनमें कोई तो एक अच्छी आदत होगी वो पकड़ लो मतलब अडेप्ट कर लो किसी की मुझे अच्छी आदत लगती है मुझे पता भी नहीं कि वो खड़े खड़े वहाँ पर क्या कर रहे होंगे मुझे लगा कि अरे कितना अच्छी हैबिट है ही वाज राइट और समथिंग एनीथिंग तो मुझे वो चीजें मैं अडेप्ट करना पसंद करती हूँ ना कुछ सीखता हूँ हर किसी में कुछ ना कुछ ना तो स्पेशल मिल ही जाता है और बस मैं सीखता रहता हूं। आपको पता है ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं पर मैंने दो दो साल बाद में उनको बताया कि मैंने आपसे ये सीखा उनको पता भी नहीं होता था क्या सीख गई जैसे uh, मेरे को कि मैं स्टार्टिंग में जब एक्टिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे नहीं पता था मुझे नहीं आता था एंड मैं बिल्कुल नहीं थी कोई मैंने देखा नहीं मेरी फैमिली में मैं इकलौती जब आई इस इंडस्ट्री में तो मैंने किसी जो हमारे क्रिएटिव सर थे उन्होंने मुझे बताया कि क्या लाइन बोल रही है ढंग से बोलना एक लाइन उसके बाद फुल स्टॉप है तो वहाँ पर पॉज दे करके उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला मेरे को थोड़ा सा उसके बाद से मैंने इतना गौर किया कि मैंने कहा हाँ ही वजरा है कि भाई एक लाइन खत्म तो उन्होंने उसके बाद पॉज दे hmm. तो क्या बीच बीच में एक एक वर्ड पकड़ पकड़ के लगी नहीं रहे, तो लाइन बोल रही है एंड आई जस्ट पिक दिट अप वो मेरा फिर यूं फ्लो आया मेरे को अचानक से वो चेंज दिखा कि नाउ लुक एट द डायलॉग डिलीवरी क्योंकि मैं तो सीख रही हूँ ना मैं तो आ, एंटर हुई हूँ और उन, जल्दी ले उनको ले, मतलब। मैंने दो साल बाद ये बात बताई जब वो मेरे ही शो में जब मैं लीड कर रही थी उन्होंने आके बोला ओ यू आर प्लेइंग सम कैरेक्टर यूर मैंने कहा नो सर आई एम द लीड यूर एन यूज लाइक क्या मैंने कहा हाँ फिर मैंने उनको जब कम्फर्टेबल हो गए मैंने बताया सर रिमेंबर आपने मुझे एक बार ये सीन चल रहा था आपने मुझे कहा था कि क्या लाइन बोल रही है मैंने वहाँ से डायलॉग लाइन बोलनी सीखी डायलॉग बोलना सीखा सो यू वॉज लाइक कि वाव तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको सीखने को मिल ही जाती जस्ट बी अटेंटिव